सुमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मैं अब आप लोगों को पढ़ाऊंगी पेज नंबर 24। मजा आया कविता का अगला भाग। कविता का अगला भाग यानी चार लाइन में पढ़ाई हूँ इसके पहले वाले सीजन में, सेशन में। अब मैं चार लाइन अब पढ़ाऊंगी। ओके, तो अब हम देखिए मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ नेक्स्ट चार लाइन। ओके, इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अब नेक्स्ट लाइन है, राधा आई राघव आया। देखिए मैं लिख रही हूँ राधा यानी र में आ की मात्रा, ध में आ की मात्रा। राधा आई, राधा आई आ की मात्रा बड़ी ई, राधा आई राघव आया। ओके, राधा आई राघव आया, ठीक है। राधा रम्या की मात्रा, धम्या की मात्रा, राधा आ ई, राधा आई राघव आया, मामा झटपट भागा आया, मामा झटपट, मामा झटपट क्या किया, भागा आया, मामा झटपट भागा आया। ओके, नेक्स्ट है, छाता तान कर घर तक लाया, छाता मतलब अम्ब्रेला, छाता तान कर, छाता तान कर क्या किया, घर तक लाया, कौन लाया, मामा। ओके, घर तक लाया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, ये हुआ नेक्स्ट चार लाइन। अब मैं इसको पढ़ाऊंगी आप लोगों, मैं इस चार लाइन को पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो देखिए, राधा आई रमे आ की मात्रा, रमे आ की मात्रा, धमे आ की मात्रा, राधा आई, राधा मतलब राधा एक लड़की का नाम है। ओके, राधा आई आ ई, इसमें स्वर कौन सा है, आ, और एक स्वर कौन सा है, ई, दोनों मिला के क्या हुआ, आई। राघव रमे आ की मात्रा, घ व राघव आया, अमे आ की मात्रा, यमे आ की मात्रा, आया। ओके, आया, राधा आई राघव आया, कौन कौन आए जल्दी बताइए आप लोग, राधा आई राघव आया। ओके, मामा ममे आ की मात्रा, ममे आ की मात्रा, मामा, मामा झटपट, झ ट प ट, झटपट, झ ट प ट, झटपट क्या है, झटपट। ओके, झटपट मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी से, झटपट मतलब जल्दी से। भागा आया भमे आ की मात्रा, गमे आ की मात्रा, भागा आ, आ या आया, झटपट भागा आया, मामा झटपट भागा आया। छाता, छाता मतलब क्या होता है, अम्ब्रेला, छमे आ की मात्रा, छा, तमे आ की मात्रा, ता, छाता, तमे आ की मात्रा, न क र क्या है, तान कर, घर घर, तक तक, ल में आ की मात्रा, य में आ की मात्रा, लाया क्या हुआ, लाया, छाता तान कर घर तक लाया,
बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, इस कविता में क्या है, कविता में क्या, जल्दी बताइए आप लोग। कविता में बारिश के बारे में बताया गया है, बारिश के बारे में बताया गया है। जो दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बारिश में गीला होके एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। किस चीज के मजे ले रहे हैं, बारिश के मजे ले रहे हैं। ओके, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है हम आ की मात्रा से कविता लिखना सीख रहे हैं या हम वाक्य लिखना सीख रहे हैं। जब हम वाक्य लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, कविता होगा। तो हम आ की मात्रा, देखिए इसमें ये भी आ की मात्रा है, ये भी आ की मात्रा है। ओके, यहाँ भी आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, ये दो आ की मात्रा है। इस कविता में अधिकतर क्या है, आ की मात्रा है, क्या है, आ की मात्रा है। ओके, तो देखिए अब हम फिर से पढ़ेंगे। राधा आई, राघव आया। राधा और राघव क्या है, बच्चे का नाम है, बच्चों का नाम है। राधा गर्ल है, राघव क्या है, बॉय है। ओके, राधा आई, राघव आया। आया मतलब आए, दोनों लोग क्या हुए, आए। मामा, मामा क्या होता है, मामा मीन्स होता है अपने मदर के ब्रदर, मदर के ब्रदर को क्या बोलते हैं, हम मामा बोलते हैं। ओके, तो मामा झटपट भागा आया। मामा क्या किया, दोनों बच्चों को देखा, क्या देखा, बारिश में भीग रहे हैं। ओके, बारिश में भीग रहे हैं, तो क्या किया, वो झटपट दौड़ दौड़ के, मतलब जल्दी जल्दी दौड़ के आया। और क्या किया, छाता तानकर घर तक लाया, यानी अम्ब्रेला में छुपा के उसको, उन दोनों बच्चों को क्या किया, घर तक लाया, यानी मामा दोनों बच्चों को अम्ब्रेला में छुपा के घर लाया। क्यों लाया, क्योंकि बारिश में भीगने से क्या होता है, हमारा तबीयत खराब हो जाता है। ओके, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। उन दोनों बच्चों को क्या हुआ, जो आपके बुक में दिया हुआ है, दोनों बच्चों को, या हम लोग भी जब बारिश में भीगते हैं तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसे होता क्या है, हम बीमार हो जाते हैं। क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए देखिए अभी फिर से हम पोएम पढ़ेंगे। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तानकर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तानकर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, राधा, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। ओके, जल्दी से बोलिए, राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तानकर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तानकर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, तो आप इसको पहले नोट करिए, फिर हम आपके बुक से भी पढ़ेंगे एक बार। जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो अब देखिए, अब मैं आपको बुक दिखा के पढ़ाती हूँ, ठीक है। देखिए ये चार लाइन मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब इसमें देखिए, मामा, राधा आई, राघव आया,
मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। देखिए इसमें भी क्या है, क्या दिया हुआ है, रेड लाइन से आ की मात्रा बताया है, रेड लाइन से किसकी मात्रा बताया है, आ की मात्रा। ओके, राधा आई, राघव आया, रमे आ की मात्रा, धमे आ की मात्रा राधा, अमे आ की मात्रा ई, रा आई, रमे आ की मात्रा घव राघव, आया मामा, मा मा झटपट झटपट भागा आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया। छाता यानी देखिए अम्ब्रेला लिया हुआ है, ओके, ये मामा है बच्चों के, मामा जो छाता लेके आए हैं, ये दोनों बच्चों को लेके क्या किए हैं, घर पे गए हैं। ओके, तो देखिए मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके ना, अब ऊपर से देखिए, पहले लाइन से आप देखिए, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, अब आप लोग मेरे साथ मिलके बोलिए, मैं और आप दोनों लोग मिलके पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत बार इसको पढ़ा चुकी है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। ओके, तो अब मैं और आप मिलके पढ़ेंगे, देखिए, आसमान पर बादल छाया, गरज गरज कर जल बरसाया, छप छप करता कागा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, तो आप जल्दी से इस पोयम को नोट करिए। अब देखिए एक बार और बोर्ड देख लीजिए, राधा आई, राघव आया, मामा झटपट भागा आया, छाता तान कर घर तक लाया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओके, ये ना आप लोग का मजा आया कविता जो कंप्लीट हो गया, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छा कविता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ओके,